इंटर की परीक्षा में सिवान के लाल मृत्युंजय कुमार के टॉप होने के बाद जिले भर में खुशी की लहर है। मृत्युंजय कुमार बढ़हरिया प्रखंड के कुइड रियुगावा गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं। इनके टॉपर होने के बाद पूरे इलाके के लोग इन्हें बधाई देने घर पहुंच रहे। सिवान में अगर बात कर ले तो अमीर सुहानी के बाद इस क्षेत्र में दूसरी बार जो है कि मृत्युंजय टॉप किए हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में। सीधे तौर पे इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो लक्ष्य है कैसे पार किए हैं, कहाँ पढ़ते थे और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है। इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए इनके घर पे हम पहुँचे हुए हैं। सीधे तौर पे हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अमीर सुहानी भी थे जी, हम हमारे ही स्कूल से पास किए हुए हैं सर। आप ही के स्कूल से पास? जी सर, जीएम उच्च विद्यालय बढ़हरिया से ही है, उसी विद्यालय का हम भी सर। जी सर, तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह इनको माला पहनाया जा रहा है, तमाम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं घर के लोग और ये पास किए हुए। हम फिर इनसे कोशिश करते हैं, देखिए किस तरह ये जो पढ़ाई किया। जी सर, क्या विजन रखा है बाबू? सर आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, माता पिता का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जो लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे कि टेंथ में कुछ नंबर से जो पीछे रह गया था उसको इस बार पूरा करना है। अच्छा, ये केवल स्कूल से पढ़ के हुए कि कोचिंग भी किया आपने? मैंने चाणक्य स्टडी सेंटर में कोचिंग किया, जहाँ पर वो औरंगजेब सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, दिवाकर सर मैथ पढ़ाते हैं और प्रकाश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, दिवाकर सर टेस्ट भी लगातार लेते थे, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है इस नंबर में। सर मैट्रिक में मेरा 471 नंबर था, पूरे बिहार में 15वां स्थान था और कुछ नंबर से मैं टॉप 10 में नहीं जा सका था, उसका बहुत मुझे अफसोस भी था और था कि इंटर में इससे ज़्यादा करना है, इसकी ज़्यादा करने की कोशिश करना है और वही किया सर। हाँ, लगता था कि हाँ इंटर पास टॉप करेगा, बहुत मेहनत करता था, दिन रात पढ़ता ही रहता था। मृत्युंजय और उनकी माँ साफ तौर पे और क्षेत्र के सभी लोग खुशी मना रहे हैं, तमाम लोग यहाँ दरवाजे पे पहुँचे हुए हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं।